वहीं दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत ने भारत 24 से खास बातचीत की, सुनिए। आपने मतदान कर लिया है, क्या मुद्दा इस बार देखने को मिला है खासतौर से वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के लिए? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में जो आज मतदान के लिए सब लोग आए हैं, हमने अपने क्षेत्र की जनता से अपने 10 साल का मैनिफेस्टो उनके सामने रखा था और 10 साल की रिपोर्ट कार्ड रखी थी कि हमने ये वादे किए और ये हमारे किए हुए काम है। 90% से अधिक काम दोनों सरकारों में, दोनों काल में किया गया है, तो अपने किए हुए कामों की रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। अगले 5 साल का संकल्प पत्र है, भारत को बदलते हुए देखा है भारत की जनता ने, और आज भारत आर्थिक विकास की बात करें तो 11वें से 5वें नंबर पर है। सुरक्षा की बात करें तो आंतरिक और बाह्य में दोनों में भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पा रहा। भारत की अर्थव्यवस्था में आज खुद के स्वदेशी जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, और जो हमारे देश की वैज्ञानिकों की है, कोविड के समय पर भी हमने कोविड के दौरान अपनी वैक्सीन बना दी, जबकि पिछली बार पोलियो जब आया था तो पोलियो की दवाई आने में 28 साल लगे थे। तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो देश ने बदलते हुए भारत को पिछले 10 सालों में देखा है और उसी आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं महाबल मिश्र, वो पहले सांसद इस सीट पर चुने गए थे 2008 में जब ये सीट बना था लोकसभा सीट, क्या चुनौती मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी जब अपने किए हुए कामों को लेकर जनता के बीच में आई है तो कोई चुनौती नहीं है, हमने काम किया है और लोग उस बात को मानते हैं, लोगों को नजर आ रहा है, और हम अगले संकल्प पत्र में बताना चाह रहे हैं कि भारत की दिशा क्या होगी, तो कहीं कोई चुनौती नहीं है। दिल्ली की 7 सीटों को पूर्ण बहुमत से हम जीत रहे हैं। मतदाता को क्या मैसेज देंगे, लोग मतदान करने के लिए आए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है? मेरा सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र आग्रह है कि मतदान जरूर करें, मतदान आपके लिए एक वो तंत्र है, एक आपके हाथ में ताकत है जिससे आप देश की दशा दिशा को तय कर सकते हैं। सोच समझकर, तुलनात्मक अध्ययन करके, क्या किया है, किसने क्या कहा क्या किया, इन सब बातों को पूरी तरह से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए वोट डालने अवश्य जाए। हमारे साथ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत जो अपना मताधिकार का प्रयोग करके निकली है, दूसरी तरफ द्वारका सेक्टर 19 के इस सेंटर पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो भी सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मिर्जा के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली।